यूनिक बिजनेस आइडिया में दोस्तों आज मैं आपके साथ चार यूनिक बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। चारों यूनिक बिजनेस है, गारंटी दे रहा हूँ आपने पहले कभी भी दोस्तों ये बिजनेस के बारे में नहीं सुना होगा। और जो बिजनेस दोस्तों मैं लास्ट में शेयर कर रहा हूँ ना, वो तो बिल्कुल ही सिंपल टाइप का बिजनेस है और पैसा भी बहुत मोटा बन रहा है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों बिजनेस के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों यूनिक बिजनेस आइडिया नंबर वन के साथ। एग्जैक्ट मैं पहले सेंटेंस बता देना चाहता हूँ, परफेक्ट होल मशीन फॉर कॉन्क्रीट। परफेक्ट होल मशीन फॉर कॉन्क्रीट, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो इस टाइप के यहाँ पे बिजनेसेस में है। एक मशीन आता है दोस्तों, स्पेशलाइज्ड मशीन जिसे कहते हैं, जो स्पेसिफिक कह लीजिए यहाँ पे कॉन्क्रीट में होल कर सकता है। जितने भी दोस्तों एक्सपेंसिव अपार्टमेंट होते हैं ना, वहाँ पे यदि आपको दीवार में, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में आपको होल भी करना है ना, तो आपको वो अपार्टमेंट का एक रूल होता है कि वो स्पेसिफिक स्पेशल मशीन से ही क्या करना है, कंक्रीट में होल करना है। जो जनरल दोस्तों ड्रिल आती है, वो ड्रिल से होल करना नहीं होता है, क्योंकि वो ड्रिल से कंक्रीट का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो ये बहुत सारे लोग दोस्तों करते हैं, स्पेसिफिक वो मशीन ही ले लेते हैं, थोड़ा बहुत महंगा मशीन आता होगा, और वो मशीन को लेने के बाद एक्स वाई जेड टाइप के लोग जिन्हें नीड होती है कि स्पेसिफिक यहाँ पे होल करना है कंक्रीट में या फिर अपार्टमेंट के एक्स वाई जेड कह लीजिए कोने में, तो मशीन एब्सोल्युटली दोस्तों यूज होता है। और मैं बात करूं दोस्तों पर्सनली ना, यहाँ पे मुझे ही रिसेंटली इस टाइप के मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि मैंने मेरा हाउस शिफ्ट किया है, मैं नए हाउस में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं अभी जियो फाइबर लगा रहा हूँ। जियो फाइबर यानी कि आपके टीवी में मोर देन 500-600 चैनल भी आ जाती है, सब OTT भी आ जाएगा जियो फाइबर में, और आपका वाईफाई भी आ जाता है, तो वाईफाई की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो जियो फाइबर का एक दोस्तों केबल आता है। अब मेरे बंगलों में दोस्तों जो केबल आ रहा है वो इस हिसाब से बंगलो स्ट्रक्चर नहीं है कि वो केबल तुरंत ही यहाँ पे अटैच हो जाए, तो मुझे भी यहाँ पे अपने एक दीवार में क्या करना पड़ेगा, वो स्पेशलाइज्ड मशीन से होल कराना पड़ेगा, बाद में वो वायर यहाँ पे कनेक्ट हो पाएगा मेरे घर में, जहाँ पर भी मैं वाईफाई रखना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों एक बिल्कुल यूनिक सा बिजनेस है, जो स्पेसिफिक मशीन रेंटल के तौर पे दिया जाता है और सिर्फ वो कॉन्क्रीट पे छेद करने का काम करता है। यूनिक सा लगा दोस्तों? अब मैं आपको इनसे भी नेक्स्ट लेवल का बिजनेस बता रहा हूँ, ये भी इसी निश में चल रहा है और ये भी एक टाइप का मशीन ही होता है। एग्जैक्ट मैं पहले बता देना चाहता हूँ चीज़ क्या है दोस्तों। एग्जैक्ट यहाँ पे चीज़ है एक्सरे सर्विस मशीन फॉर द कॉन्क्रीट। अब सीन क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे, खास करके बॉम्बे दिल्ली मेट्रो सिटी की बात की जाए, जहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट है। एक्सपेंसिव अपार्टमेंट यानी कि दोस्तों मान के चलो कि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 20-20 करोड़ के दोस्तों अपार्टमेंट है मेट्रो सिटीज़ में। और अपार्टमेंट पे ना कहीं पर भी आज ये रूल्स है, रेगुलेशन है, जो वो अपार्टमेंट वाले बनाते हैं कि किसी भी कंक्रीट में छेद करने से पहले एक्सरे करना है कि ये कंक्रीट में छेद कर रहे हो, ये कंक्रीट में यानी कि आप एक होल मान के चलो कि होल है, दीवारें छेद कर रहे हो, तो पहले चेक करना है कि क्या वो कंक्रीट में दीवार में बीच में कोई वायर तो नहीं लगा हुआ है, कोई पाइपलाइन तो नहीं है जो डैमेज हो जाएगी। और इस हिसाब से आज के टाइम पे दोस्तों एक रूल्स भी है, रेगुलेशन भी है कि ये मशीन का यूज़ होता है, एक्सरे मशीन जो कंक्रीट का एक्सरे करती है, स्पेसिफिक जहां पे भी ड्रिलिंग करनी है, जहां पे भी छेद करना है कि क्या कोई पाइपलाइन नहीं जा रही है ना, कोई वायर नहीं जा रहा है ना, तो डैमेज हो जाएगा। यदि हेल्थ गुड होती है वो कंक्रीट की, और हेल्थ गुड होती है ऐसा सिग्नल भी आता है कि आप ये कंक्रीट में यहां पे छेद कर सकते हो, यदि हेल्थ गुड नहीं आती है, कोई पाइपलाइन है, फिर और किसी जगह पे एक्सरे करके क्या करना होता है, ड्रिलिंग करना होता है। तो सिर्फ दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के मशीन को एज ऑफ रेंट देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो एज ऑफ सोलोप्रीनियर खुद ही वो मशीन लेके जब कभी भी फोन आता है, सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मशीन लेके चले जाते हैं। भारत में दोस्तों सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में जो टॉप के अपार्टमेंट है वहाँ पर इस टाइप के मशीन का यूज़ होता है ड्रिलिंग और छेद करने से पहले। US में तो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, डेवलप्ड कंट्री में तो ये एब्सोल्युटली काम हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है, लेकिन लोग इस टाइप के बिजनेस से अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया है। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीज़ें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहाँ पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉरपोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज़ दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है
वही चीज़ यहाँ पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफ स्टाइल बिजनेस, जहाँ पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप वन ऑन वन आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विद इन 24 आवर आपको डेटा बेस्ड यहाँ पे आंसर दे दूंगा क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी। नाउ बैक टू एपिसोड। थर्ड दोस्तों अब मैं शेयर कर रहा हूँ आज यूनिक पे यूनिक बिजनेस आइडिया ही आपको दूंगा। सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन कंपनीज, अब मैं आपको इनका इजीली दोस्तों बता रहा हूँ, मेरा काम है चीज़ों को इजी करके आपको बताना, चीज़ें इजी में बताना सिंपलिसिटी के साथ। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कंपनीज, आज के टाइम पे दोस्तों फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं सर्टिफिकेट को लेके। देखिए जैसे कि एक बहुत ज़्यादा इनलीगल इमिग्रेट होते हैं जो US जाने की कोशिश करते हैं भारत से, तो फेक वीज़ा बनाएंगे, फेक ID बनाएंगे, तो ये जो फेक ID बनाने का चलन है बढ़ता जा रहा है, फेक सर्टिफिकेशन बनाने का चलन है बढ़ता जा रहा है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज में दोस्तों बड़ी बड़ी पोजीशन के लिए एम्प्लॉय जब हायर किए जाते हैं तब उनका जो सर्टिफिकेशन होता है उनका वेरिफिकेशन करना होता है, उनके जो सर्टिफिकेट है क्या ये सही के सर्टिफिकेट है या फिर ऐसे ही सर्टिफिकेट बना लिए और बैकेंड में कुछ है ही नहीं। तो कंपनीज को तो पता नहीं है, बड़ी कंपनीज को जब वो एम्प्लॉय को हायर कर रहे तो कंपनीज यहाँ पे दोस्तों आउटसोर्स करती है ऐसी एजेंसीज को, ऐसी कंपनीज को जो बैकेंड में वेरीफाई करती है कि क्या ये बंदा जो ये सर्टिफिकेट लेके आया है ये सही सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अब ये वेरिफिकेशन कैसे होता है दोस्तों, ये वेरिफिकेशन होता है गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू और एक वेजेड बंदे का, मान के चलो कोई एजुकेशन का वेरिफिकेशन है कि कोई कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं CA हूँ, तो CA का ना दोस्तों एक पोर्टल होता है, वो गवर्नमेंट में जाके वो सब चीज़ों का आपको नॉलेज लेना पड़ता है, फिर आपको नाम डालना पड़ेगा, नंबर डालना पड़ेगा। यदि वो बंदा सही में मान के चलो कि CA क्रैक करके बैठा है, CA फाइनल करके बैठा है, CA में वो पास हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है CA एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पे उनका नाम होगा, अदरवाइज उनका नाम वहाँ पे नहीं होगा। तो कंपनीज के पास टाइम नहीं है एक एक बंदे का यहाँ पे सब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने का, तो आउटसोर्स करते हैं एजेंसीज को और एजेंसीज को मंथली बेसिस पे एक रेकरिंग अमाउंट देते हैं वॉल्यूम के हिसाब से कि कितने लोगों का यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। और ये तो दोस्तों मैंने सिर्फ एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया जॉब वेरिफिकेशन का, जॉब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का। बहुत टाइप के दोस्तों वेरिफिकेशन यहाँ पे होते हैं, बिजनेसिस में भी होते हैं और भी जगह पे, बहुत सारी सीक्रेट सर्विसेज में भी दोस्तों कह लीजिए ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड होता है। तो इस टाइप की एजेंसीज भी होती है, इस टाइप का दोस्तों भी काम होता है, पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ दोस्तों यूनिक बिजनेस आइडिया मैं शेयर कर रहा हूँ। एक पर्सन है यहाँ पे और मैं पर्सनली दोस्तों तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरा एक फ्रेंड है उनका कॉन्टेक्ट है और US की बात है, और मेरा जो फ्रेंड है आप कह सकते हो एक हिसाब से वो भी US पढ़ाई करने के लिए गया है, तो मेरे फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो US सिटीजन है। तो एग्जैक्टली वो बंदा करता क्या है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये एग्जैक्ट दोस्तों बिजनेस क्या होता है। पहले मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा, लॉजिस्टिक फॉर फॉरेन कंपनीज इसे कहा जाता है, ये बिजनेस को कहा जाता है लॉजिस्टिक फॉर फॉरेन कंपनी। XYZ दोस्तों फॉरेन की कंपनी है, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, XYZ फॉरेन की कंपनी है, बड़ा कोई दोस्तों ब्रांड है, ई कॉमर्स का D2C ब्रांड है। ये लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंट्रीज से जब कभी भी ऑर्डर आते हैं ना, तो दूसरी कंपनीज के ऑर्डर को यहाँ पे खुद एक एक ऑर्डर को वो नहीं करते है, और वो पॉसिबल भी नहीं है XYZ ब्रांड के लिए, फॉरेन ऑर्डर के लिए। तो ये जो कोई भी ब्रांड होती है, D2C ब्रांड है, कोई भी बड़ी ब्रांड है, जब कभी भी उन्हें कुछ ऑर्डर आता है फॉरेन से आता है, तब उनका वहाँ पे एक लॉजिस्टिक पार्टनर होता है, XYZ कंट्री का लॉजिस्टिक पार्टनर। अब ये जो D2C ब्रांड है ना, ये बल्क में जो भी ऑर्डर आता है प्रोडक्ट भेज देगी अपने लॉजिस्टिक पार्टनर के पास, और ये लॉजिस्टिक पार्टनर फिर क्या करेगा,
पैकेजिंग करेगा, डिलीवरी देखेगा, सप्लाई देखेगा, ये सब यहाँ पे फिर करता है लॉजिस्टिक पार्टनर। तो इसे कहते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक पार्टनर का बिजनेस। और मेरा फ्रेंड बता रहा था कि जो उनका फ्रेंड है वो यूएस सिटीजन है, वो कुछ इसी टाइप का काम कर रहा है और सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, एक ही कंपनी का वो लॉजिस्टिक पार्टनर है और कुछ $100,000 प्लस पर ईयर के बेसिस पे वो प्रॉफिट बना रहा है। तो यूएस के हिसाब से $100,000 दोस्तों ग्रेट है इनो प्रॉफिट एक ही कंपनी के साथ, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। वो अपनी नेटवर्किंग से पता नहीं कैसे उन्हें एक यहाँ पे फॉरेन कंपनी का D2C का ऑर्डर मिल गया, तो इस हिसाब से चीज़ें चल रही है। मैं और भी दोस्तों आसान भाषा में बता देना चाहता हूँ, सिंपल सा आप इतना समझो, मैं भारत का एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो एक यूएस की दोस्तों ब्रांड है, वो कुछ महंगी प्रोडक्ट बेच रही है और भारत से भी उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन वो यूएस की कोई D2C ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट बेच रही है, वो भारत में अपने कंप्लीट ऑपरेशन मैनेज नहीं कर पाएगी, देख नहीं पाएगी, तो ना भारत में एक अपॉइंट करेंगे लॉजिस्टिक पार्टनर को, फिर वो अपनी शिपिंग के थ्रू, उनका सिर्फ एक ही एड्रेस होगा शिपिंग एड्रेस, जो यूएस से प्रोडक्ट को क्या करेंगे डिलीवर करेंगे जिन्हें भी उन्होंने शिपिंग पार्टनर बनाया होगा, फिर उनके यहाँ पे ही सारे प्रोडक्ट आएंगे, फिर वो बंदा वेयर हाउस रखेगा या फिर कुछ भी वॉल्यूम के हिसाब से, खुद एज ऑफ लॉजिस्टिक पार्टनर क्या करेगा दोस्तों प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेगा, प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए डिलीवर पार्टनर के साथ सब ट्रांजेक्शन देखेगा, सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखेगा, और जितना भी पैसा आएगा ये लॉजिस्टिक पार्टनर के पास, तो यहाँ पे सिर्फ एज ऑफ कह लीजिए, इसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड बताना पड़ेगा, एज ऑफ सैलरी ही आएगा, डायरेक्ट जो सेल हो रहा है, डायरेक्ट जो सेल्स का अमाउंट जा रहा है, ध्यान से समझो, वो डायरेक्ट यूएस में ही जाएगा। D2C ब्रांड में तो पेमेंट भी आते तो यूएस में हो जाते, तो इस हिसाब से दोस्तों ये एब्सोल्युटली बोरिंग टाइप का विदाउट ब्रांडिंग टाइप का वर्क है। बहुत सारे लोग इसी टाइप के बिजनेस में लॉजिस्टिक पार्टनर बन के बैठे हुए हैं फॉरेन की बहुत सारी D2C और बड़ी बड़ी ब्रांड के लिए, उनका लॉजिस्टिक का ही काम संभाल रहे हैं और इस हिसाब से फिक्स्ड एज ऑफ सैलरी पर्सन टाइप का काम करके अच्छा खासा दोस्तों पैसा भारत में भी बना रहे। तो आप इनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हो, लॉजिस्टिक पार्टनर बनने के बारे में भी, यहाँ पे नेटवर्किंग और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी दोस्तों लगता होगा। तो ये मैंने यूनिक बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, आज के एपिसोड में चार आइडिया दोस्तों शेयर किए, चारों चार आपको यूनिक आइडिया लगे होंगे। और यदि आप एपिसोड एंड तक देख रहे हो और आपको मोर एपिसोड चाहिए दोस्तों यूनिक आइडियाज़ के लिए, तो तगड़ा हमारा रिसर्च लगता है, तो यदि आपको यूनिक आइडियाज चाहिए कमेंट में दोस्तों मोर एपिसोड MOREPISODES मोर एपिसोड लिख देना। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।